मस्कुलर फोल्ड हम देख चुके हैं, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स फोल्ड, ट्रांसवर्स में भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड, उसके इसके रिलेशन है जिसमें पेरिटोनियल रिलेशन है। पेरिटोनियल रिलेशन मतलब अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट के तीन अलग अलग पेरिटोनियल रिलेशन है। अपर पार्ट है कवर्ड विद पेरिटोनियम है, मिडल पार्ट है कवर्ड विद पेरिटोनियम ओनली इन फ्रंट में, लोअर पार्ट है डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। सो अपर पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड है, मिडल पार्ट से फ्रंट से पेरिटोनियम से कवर्ड है और लोअर पार्ट है जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम इसके विसरल रिलेशन पढ़ेंगे, विसरल रिलेशन में क्या क्या मेंशन है, मेल और फीमेल के विसरल रिलेशन अलग अलग होते हैं। सो ये थे उसके डायग्राम जहाँ से हम सारे रिलेशन को क्लियर कर सकते हैं। सो मेल में एंटीरियरली मेल में क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टोवेस्टिकुलर पाउच और सिग्मोइड कोलन, ये अपर पार्ट के एंटी रिलेशन। लोअर पार्ट के एंटी रिलेशन में क्या है, ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और डिफरेंस डक्ट, ये थे मेल्स में एंटीरियर रिलेशन। फीमेल्स में जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है वो क्या है, अपर पार्ट में होता है रेक्टोवेसिकुलर पाउच और लोअर पार्ट में होता है वजाइना, ये हो गया एंटीरियर रिलेशन दोनों के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन मेल और फीमेल में सेम होते हैं। सो वो है लोअर पीसेस ऑफ सैक्रम, कोकाइजल और एनोली कोकिजल लिगामेंट, पिरिफॉर्मिस, कॉकिक्स या फिर लिवेटर एनी मसल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल पार्ट ऑफ रेक्टम, रेक्टम का क्या क्या फंक्शन होता है। सो अपर पार्ट इसका फिशिस का रिजर्वायर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेक्टम है वो नॉर्मल इंडिविजुअल में एम्प्टी ही होता है। रेक्टम में जब फिशिस पास हो जाते हैं तो हमें डेफिकेट करने का स्टिमुलस मिलता है। सो ये था फंक्शनल पार्ट ऑफ रेक्टम। लास्ट में हम इसके पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब पढ़ेंगे। आर्टेरियल सप्लाई इसका सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और मीडियल सैक्रल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज है इसका सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और मीडियल सैक्रल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसका इन्फीरियर मेसेंटरिक नोड और इंटरनल इलियक नोड्स। नर्व सप्लाई है इसका सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। सपोर्ट है इसका लिवेटर एनी मसल, फेशिया वाल्डियल, लैटरल लिगामेंट, रेक्टो वेसिकुलर फेशिया, पेल्विक पेरिटोनियम और पेरिटोनियल बॉडी। तो ये वीडियो में हमने रेक्टम को डिस्कस किया।